मूवी के स्टार्ट में हम हॉर्समैन इन्हीं जादूगरों को देखते हैं जो एक मैजिक कम्युनिटी जिसका नाम आई था और वो उसके मेंबर थे और वो लोग अपने सेकंड मिशन का इंतजार कर रहे थे जो उनको आई कम्युनिटी देने वाली है। आई कम्युनिटी के इस मिशन में वो बुरे लोगों को एक्सपोज करते हैं और डेलन इन्हीं हॉर्समैन यानी इन्हीं जादूगरों का लीडर होता है। डैनियल को लगता है कि वो एक परफेक्ट लीडर नहीं है और लीडर उसे नहीं बल्कि डैनियल को होना चाहिए। इसीलिए डैनियल अब खुद आई कम्युनिटी से कांटेक्ट करता है। फिर वो एक अजीब से डंगल में जाता है जो उसके मुताबिक आई कम्युनिटी का सेंटर था, लेकिन यहाँ आने पर उसे कोई नहीं मिलता, सिर्फ एक आवाज मिलती है जो उससे कहती है कि डेलन तुम्हें सारे मिशन की डिटेल दे देगा। हम डेलन को देखते हैं जो कि असल में एक FBI एजेंट है। वो हर बार ऑफिसर्स को अपनी बातों में लगाकर हॉर्समैन यानी जादूगरों को बचा लेता था, लेकिन यहाँ पर डेलन की कुलीग को उस पर शक हो जाता है और यही वजह है कि वो हॉर्समैन यानी जादूगरों का केस सॉल्व नहीं कर पा रहा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और डेलन अपने बॉस को अपनी बातों में लगाकर एग्री कर लेता है कि वो जादूगरों को पकड़ने न्यूयॉर्क जाएगा, जिस पर वो मान जाती है। लेकिन डेलन जादूगरों को पकड़ने नहीं बल्कि अपना सीक्रेट मिशन पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क जा रहा था और वो उनको ये बताता है कि अब हमें सॉफ्टवेयर कंपनी के ओनर को पकड़ना है जो लोगों के पर्सनल डेटा को इलीगली यूज करता है और हमने ऑक्टा कॉन्फ्रेंस में उसे एक्सपोज करना है। इसके बाद वो लोग कॉन्फ्रेंस में जाकर सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेते हैं क्योंकि सिक्योरिटी इंचार्ज डेलन था। यहाँ पर मेरिट जो कि हिप्नोटाइज्ड मास्टर है वो उस आदमी को हिप्नोटाइज कर देता है जिस आदमी को इन लोगों ने एक्सपोज करना था, जिसका डिस्प्ले डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस यानी स्टेज पर था। अब वो आदमी वो ही बोलता है जो मेरिट उसे बोलने का कहता है। वो लोग अपना काम खत्म करने वाले ही होते हैं यानी उसे एक्सपोज कर ही रहे होते हैं, तभी उनका माइक काम करना बंद कर देता है और स्क्रीन पर किसी अननोन पर्सन की रिकॉर्डिंग चल जाती है जिसमें वो आदमी जादूगरों के प्लान पर पानी फेर देता है और वो उन्हें ही एक्सपोज कर देता है। इनका मेंबर जैक, जिसके बारे में सबको लगता था कि वो मर गया है, यहाँ डेलन सिचुएशन को सीरियस लेकर उन सबको वहाँ से भागने का कहता है। इतनी ही देर में FBI वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे भी डेलन पर शक होता है क्योंकि हॉर्समैन डेलन के सामने थे फिर भी उसने उन्हें नहीं पकड़ा। जहाँ पर डेलन होता है तो वो वॉइस उनका सबसे बड़ा राज रिवील करती है क्योंकि इस बार डेलन को एक्सपोज किया जाता है। वो अननोन वॉइस वाला आदमी ये कहता है कि हॉर्समैन 5 हैं जिनका लीडर कोई और नहीं बल्कि डेलन है, लेकिन यहाँ पर वो अपने मैजिक और ट्रिक्स का यूज करते हुए उन्हें ही वहाँ पर बंद करके भाग जाता है। वो हॉर्समैन अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं। जहाँ उनका प्लान था कि वो एक ट्रक में जाकर गिरेंगे और वो ट्रक उन्हें US लेकर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो लोग उस ट्यूब में जंप करने के बाद चाइनीज रेस्टोरेंट में आकर गिरते हैं। ऐसे वो लोग हैरान हो जाते हैं कि उन्हें तो US जाना था और वो चाइना कैसे आ गए। इसके बाद मेरिट का छोटा भाई चेज मिलता है और वो उन्हें बताता है कि ये सब कुछ मैंने आप लोगों को हिप्नोटाइज करके किया है क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन के लिए काम कर रहा हूँ और उसी के कहने पर आज आप लोग US के बजाय चाइना में हैं। और अब चेज उन लोगों को उसी बिजनेसमैन के पास लेकर जाता है जिसका नाम वॉन्टर होता है और फिर यहाँ पर वॉन्टर उन्हें सारी बात बताता है कि वो लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे। वॉन्टर उन्हें बताता है कि मैंने डैनियल से आई कम्युनिटी का सारा डाटा ले लिया था जब डैनियल आई से बात करने के लिए गया था। उस वक्त मैंने उसे बेवकूफ़ बना दिया क्योंकि उस वक्त उससे आई नहीं मैं बात कर रहा था। जो आवाज़ उसने टनल में सुनी थी वो आवाज़ मेरी थी और मैंने ही ऑक्टा कॉन्फ्रेंस में उस बिजनेसमैन को एक्सपोज करवाया था और जिस ट्यूब में तुम लोग कूदे थे वो ट्यूब भी मेरी ही थी और उस ट्यूब में हॉर्समैन को हिप्नोटाइज किया गया था जिसकी वजह से तुम लोग 2 दिन तक बेहोश रहे। अब जैसे ही उन लोगों को यहाँ पर लाया गया तो उन सब चीज़ों की पिक्चर वॉन्टर उन्हें दिखाता है। वॉन्टर उन्हें कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, या तो मेरे लिए काम करो या तो फिर मर जाओ। अगर वो काम को चूज करते हैं तो इस काम में उन्होंने एक चिप चुरानी थी और वो चिप पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स का डाटा हैक कर सकती थी। उधर US पहुँच कर डेनल उन चारों हॉर्समैन का
वेट कर रहा होता है। अब डेलन उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाता। अब यहाँ पर डेलन को ये लगता है कि ये सब कुछ थेडियस की गेम है, लेकिन थेडियस उसे बताता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हॉर्समैन इस वक्त कहाँ पर हैं और मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा सकता हूँ। तारो हॉर्समैन को एक मैजिक शॉप में देखते हैं और यहाँ पर डैनियल आई कम्युनिटी को कांटेक्ट करता है और वांटर की बात मानने का भी उनका एक मकसद था कि वो चिप चुराकर आई को दे देंगे और हॉर्समैन उस चिप को चुराने की तैयारी करते हैं। उस चिप को एक कार्ड में फिक्स करते हैं और उसके बाद उस कार्ड को मूव करने की प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद हम डेनियल को देखते हैं जो थेडियस के साथ चाइना आ गया था। यहाँ पर डेनियल को उसके फादर के बहुत सारे मैजिकल इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं और एक लेडी डेनियल को उसके फादर की वॉच भी देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों हॉर्समैन अपने मिशन के लिए रेडी थे। मैरिट उस कंपनी के एक खास आदमी को हिप्नोटाइज करता है जिसने वो चिप अपने बॉस तक पहुंचानी थी और वहाँ पर वो ऐसे शो करवाते हैं जैसे वो कंपनी के रिसर्चर्स हैं। उस चिप के बारे में बताने के लिए वहाँ पर डेटा सेंटर का मैनेजर भी मौजूद था। इसके बाद वो चिप तक जाने के लिए मेटल डिटेक्टर से गुजरते हैं। डिटेक्टर का मतलब था कि उन्होंने वो चिप इस मेटल के अंदर से लेकर जानी थी और जैक को रोक लिया जाता है। यहाँ पर जैक अपना वॉलेट निकालकर अब उन लोगों को दे देता है। इस तरह जैक भी अब अंदर आ जाता है। यहाँ पर मैनेजर जब उन्हें चिप के बारे में बता रहा होता है तो मैरिट ड्रामा करने लगता है। वो छींकने लगता है जोरों से। वो कहता है कि यहाँ के एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा है जिससे मुझे एलर्जी है। वो लोग मैरिट को देखने लग जाते हैं तो जैक जल्दी से वो चिप निकाल कर ले आता है और जैसे ही जैक वहाँ वापस आकर खड़ा होता है तो मैनेजर को उस पर शक होने लगता है। मैनेजर उन सबकी चेकिंग का ऑर्डर देता है और अब वो सब लोग चिप को एक दूसरे से पास करते हुए अपनी चेकिंग कंप्लीट करवा लेते हैं और अब उन लोगों को कंफर्म हो जाता है कि चिप इन लोगों के पास नहीं है। तो अब वो उन लोगों को जाने देते हैं और इस टाइम पर चिप मैरिट के पास थी। वो सब लोग तो मेटल डिटेक्टर से गुजर जाते हैं लेकिन मैरिट मेटल डिटेक्टर के पीछे ही खड़ा रहता है। जैक मैरिट को वहाँ से निकालने के लिए बहुत ही चलाकी से अपना वॉलेट वापस मांगता है। वो लोग उन्हें बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब चिप चुराकर एक मार्केट में डैनियल आई कम्युनिटी के लोगों का वेट कर रहा होता है आके वो चिप उन्हें दे सके। तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है। अब यहाँ पर डैनियल को ऐसे शो करवाता है कि जैसे वो लोग उससे नाराज़ हैं क्योंकि उसने ना तो उनसे कांटेक्ट किया था और ना ही उन्हें बचाने की कोशिश की थी। तब इसी दौरान वहाँ पर वो बिजनेसमैन यानी वांटर आ जाता है जिसने उन्हें चिप चुराने का कहा था। यहाँ पर डैनियल को पता चलता है कि वांटर ने उसे फिर से एक बार बेवकूफ़ बना दिया। तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है और वो ऐसा शो करवाता है कि उसने वो चिप डैनियल के पास से ले ली है और तब ही सारे लोग डैनियल के पीछे लग जाते हैं। डैनियल वहाँ पे अकेला उन सारे लोगों से फाइट कर रहा होता है और फिर तभी वहाँ पर मैरिट का भाई चेस आ जाता है जो डैनियल को हिप्नोटाइज कर देता है। डैनियल को वांटर के पास लाया जाता है और तब उसे पता चलता है कि वांटर असल में आर्थर का बेटा है। वांटर उस बिजनेसमैन का बेटा है जिसे इन चारों हॉर्समैन ने मिलकर बर्बाद कर दिया था। फिर एक बॉक्स में बंद कर डैनियल को पानी में फेंक दिया जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि एक लेडी ने उसे उसके फादर की घड़ी दी थी। उस घड़ी में से एक पिन निकलती है जिसकी मदद से डैनियल बॉक्स को तो खोल लेता है लेकिन पानी ज़्यादा होने की वजह से बेहोश हो जाता है। इसके बाद चारों हॉर्समैन आकर डैनियल को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि ये सारा खेल थेडियस और आर्थर का ही है, यानी डैनियल की प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक थी। उसी ने हॉर्समैन को रिवील किया था। उसके बाद वो लोग उसी मैजिक शॉप में आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने मैजिक की कुछ चीज़ें ली थी। यहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि शॉप के दोनों ऑनर्स भी मैजिशियंस हैं और वो दोनों भी आई कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। वो सब लोग YouTube के थ्रू अपना मैसेज देते हुए बताते हैं कि वो लोग अपना अगला शो लंदन में करने वाले हैं। वांटर भी लंदन के लिए तैयारी करता है क्योंकि वांटर वो चिप लेना चाहता था जो कि डैनियल के पास थी। FBI और वांटर
दोनों ही हॉर्समैन की लोकेशन का पता करवा रहे होते हैं। पॉन्टर को लोकेशन का पता चल चुका होता है, अब इसलिए वो चेस को मैरिट के पास भेजता है ताकि वो अपने भाई को हिप्नोटाइज कर सके, लेकिन मैरिट उसे एकदम धक्का दे देता है और तभी फिर वो किसी और आदमी से टकराता है। इसके बाद उन चारों हॉर्समैन को पता चलता है कि वॉन्टर को उनका प्लान मालूम हो चुका है, इसलिए वो अपना प्लान चेंज कर देते हैं। और अब सब जब वो सारे हॉर्समैन यहाँ से बाइक चलाकर भाग रहे होते हैं तो मैरिट को बाइक चलाना नहीं आता होता, और इसी दौरान उन सबको वॉन्टर के आदमी पकड़ लेते हैं। उसके बाद हम उन सबको एक जेट प्लेन में देखते हैं। यहाँ पर आर्टर डैनियल से एक चिप मांगता है। डैनियल पहले तो वो चिप देने से इनकार कर देता है, लेकिन जब वॉन्टर उसे कहता है कि हम तुम्हारे साथियों में से किसी एक आदमी को मार देंगे, तो वो चिप निकाल के वॉन्टर को दे देता है। अब चिप मिल जाने के बाद वॉन्टर कहता है कि इन सब का क्या किया जाए, जिस पर चेस कहता है कि इन्हें प्लेन से बाहर फेंक दिया जाए। यही आर्थर वाइन पीता है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। भी अचानक से प्लेन का इंजन बंद हो जाता है, यानी जब उन्हें नीचे गिराया गया था तो वो नीचे नहीं गिरे थे, इसलिए जादूगर उन लोगों को बाहर आने का कहते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वॉल्टर ने हॉर्समैन को नहीं बल्कि हॉर्समैन ने वॉन्टर को पकड़ा है, साथ साथ उसके फादर को भी। और जिस प्लेन के बारे में वो सोच रहे थे कि वो इसे टेक ऑफ कर गए हैं, लेकिन वो प्लेन भी अभी तक जमीन में ही था। इसके बाद मैरिट अपनी ट्रिक्स बताता है। वो ये कहता है कि हमने कंटेनर में ऐसा सिस्टम लगा दिया था कि जिससे उन लोगों को लगे कि प्लेन टेक ऑफ कर गया है। और यहाँ पर हमें उस मिस्टीरियस आदमी के बारे में भी पता चलता है जिससे चेस टकराया था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक था, जिसने चेस को हिप्नोटाइज कर लिया था ताकि वो वॉल्टर और उसके फादर को ये आइडिया देगा कि हॉर्समैन को जहाँ से नीचे फेंक दिया जाए। जिसके बाद वहाँ पर FBI आ जाती है। वो उन दोनों बाप बेटों के साथ चेस को भी अरेस्ट कर लेती है, लेकिन वो जैसे ही हॉर्समैन को अरेस्ट करने के लिए आते हैं तो हॉर्समैन यहाँ से गायब हो जाते हैं और डेनियल की बॉस उसे पकड़ लेती है। वो ये कहती है कि मैं हमेशा ये चाहती थी कि मैं हमेशा तुम्हारी तरह बनूं, क्योंकि तुम सबसे अलग सोचते हो। डेनियल उसको कहता है कि तुम सही समझती थी क्योंकि मैं एक अच्छा ही काम करता हूँ। उसके बाद डेनियल अपनी बॉस को वो ओरिजिनल चिप देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो सारे हॉर्समैन एक आई कम्युनिटी सेंटर में जाते हैं, जहाँ पर मैजिक शॉप के ओनर उन्हें वेलकम कहते हैं। उसके बाद डेनियल एक रूम में जाता है और उसे यहाँ पर ये पता चलता है कि थेडियस उसके फादर का फ्रेंड था, दुश्मन नहीं। डेनियल के फादर और थेडियस का काम ये था कि उनमें से एक मैजिक करेगा और दूसरा उसे एक्सपोज करेगा, जिससे किसी को शक नहीं होगा कि वो दोनों दोस्त हैं। और अब थेडियस डेनियल से कहता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अपने फादर से भी अच्छे जादूगर हो, और अब मैं इस काम से रिटायरमेंट चाहता हूँ। अब उन चारों हॉर्समैन को ये गेम समझ में आ जाती है और उन्हें डेटा सेंटर का मैनेजर भी मिलता है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं।